मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल अंतर्गत कैरेज एंड वैगन विभाग में कार्यरत रेल कर्मी को एक अज्ञात व्यक्ति ने कार्यालय में घुसकर बुरी तरह पीटा। आपको बता दें जिसमें रेल कर्मी बुरी तरह से घायल हो गया। बाद में कार्यालय कर्मियों द्वारा घायल रेल कर्मी को धनबाद के मंडल रेल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस बाबत घायल रेल कर्मी ने बताया कि वह अपने कार्यालय में काम कर रहा था, इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति आया और कॉलर पकड़कर उसे कार्यालय के दूसरे कमरे में ले गया, जहां पर उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई। इधर ECRQ के नेताओं का कहना है कि अचानक से एक आदमी आया और मारना शुरू कर दिया। हम पूछते रह गए क्या बात है, क्यों मार रहे हो, लेकिन कुछ बताया नहीं। उसके बाद मेरा कॉलर पकड़ के खींच के और ले जाके AME सर के चैम्बर में ले गया और वहाँ भी मारा। उसके बाद फिर अचानक से सब आपके साथ मारपीट। हाँ, कौन है वो? कहाँ पर आप कार्यरत हैं? आप कहाँ काम करते हैं? हम SSC टेंडर हैं, कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट। अच्छा, क्या हुआ है? कुछ पता नहीं चला हमको और कुछ आइडिया नहीं कि क्या हुआ है। वो आया सिर्फ हमारा और चला गया। अभी क्या मामला है? ये कर्मचारी छत पर आया है, जो भी आदमी आया है कर्मचारी को मारपीट किया है, उसको जबरदस्ती चीज किया है, तो इसे कर्मचारी में काफ़ी आक्रोश है और जिस तरह से इन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है कि काफ़ी गहरा चोट हो गया है वो सर के ऊपरी हिस्से में, और डॉक्टर तो काफ़ी उसको घबरा गए, बोल रहे हैं स्कैन वगैरह कराना पड़ेगा। हम लोग सोच रहे हैं इस मामले को जो है कॉन्स्टेबल क्राइम में लेकर के उसको FIR दर्ज करा दें और उसके लिए जो है कानूनी कार्रवाई।